हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल वेगाबॉन्ड यूके 05। सो गाइस, आज हम आपको दिखाएंगे कि शेक कैसे बनता है, मिक्स फ्रूट का शेक। उसमें एप्पल और बनाना और क्या कहते हैं, अनार चाहिए होता है। तो दिखाता हूँ आपको कि शेक कैसे बनाते हैं, और ट्राई कीजिए, बहुत मस्त होता है पीने में, मज़ा आता है। अभी मैं पी के भी दिखाऊंगा आपको, जैसे पिछले बार गुलाब जामुन चख के दिखाया था, इस बार शेक पी के दिखाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ कि शेक कैसे बनता है, शेक कैसे बनाते हैं, शेक को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती हैं। और वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है कोरोना वायरस के, उससे तो सब परेशान होंगे घर पे कि क्या करें, बोरियत हो रही होगी सबको कि घर पे बैठ के क्या करें क्या करें। सो ऐसे ही जो मैं आपको वीडियो आप मेरी देखते हैं, वही मतलब आप अपनाइए अपने घर पर, मतलब ट्राई करके देख सकते हैं, शेक पी के देख सकते हैं कि कैसा शेक बनता है, उसको बनाने के लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो चलते हैं शेक बनाने के लिए। एक प्लेट लीजिए, मतलब प्लेट रख देते हैं नीचे पे। चाहिए अनार को छिलना है सबसे पहले एक बार, ये अनार छिल दीजिए बढ़िया तरीके से, दाने अलग कर दीजिए एक प्लेट पे। हमें चाहिए बनाना, कुछ बनाना चाहिए हमें, केले, मतलब केले लेंगे आप, ये केले हो गए, और पपीता, पपीता को छिलिए। और इसको पीसने के लिए चाहिए मिक्सी, जिसमें शेक तैयार होगा अपना, ऐसे फिट होगा। इसमें जाएंगे केले और जितने भी फ्रूट्स हैं, मतलब ये, और इसको पीस देना है मतलब। और मैं खाली वीडियो बनाता हूँ खाली, मतलब, और चखता हूँ, ये काम करने वाले इधर हैं मतलब। मैं जज करता हूँ इन्हें कि कैसा बन रहा है आइटम। अभी मैं सबसे लास्ट में सिर्फ चखूँगा, सबसे फर्स्ट मैं चखूँगा, मतलब कि कैसा हो रहा है, मतलब से मजाक कर रहा था यार, मैं ही करता हूँ ये सारा काम, अभी मैं ही बनाऊँगा शेक। अभी शेक मैं ही बनाऊँगा, और सबसे लास्ट में देते हैं भाई मुझे शेक, बाहर जा वाली बात है कमरे से। आ गया, चीनी भी पड़ती है इसमें मीठा करने के लिए थोड़ा, सब आइटम है यहाँ पर, केले, दही, चीनी, मिक्सी का डब्बा, और ये पपीता जो काट के डाल लें दही। अबे मैं मिक्सी में कूटी बल्ली है। तो अब पपीता का रस जो है, मतलब वो इसमें डालेंगे हम डिक्ची में, ये गाढ़ा, केले डाल चुके हैं अब हम इसमें पीसने के लिए, बढ़िया, ये हल्का सा पानी भी मिक्स, क्योंकि प्योर बहुत गाढ़ा हो जाता है तो उतना मज़ा नहीं आता है, तो हल्का सा पानी मिक्स कर दीजिए केले में, और बढ़िया पीस वैसे। ये हमने इसमें डाल लिया केले का, क्या बोलेंगे इसे, मिक्स फ्रूट का शेक है, बोल बनाना का, पपीता और बनाना इसमें मिक्स कर दिया हमने, मतलब मिक्सी पे पीस के, चीनी भी मिक्स कर दी, शक्कर मिक्स कर दिया है इस पे,
शक्कर एक लिमिट की डालना, जितना आप कम मतलब जितना आपको मतलब अच्छा लगे अपने हिसाब से डाल लीजिए आप मतलब शुगर, इतना तो अंदाज़ा आप सबको होगा ही शुगर कितना डालना है करके। ये दही आ गई हमारी, इसमें मिल गई मिक्स, बना रहे हो इसके ऊपर डाल लीजिए आप बढ़िया तरीके से। अब हर सिप पे ना, हर सिप पे अनार के दाने आएंगे तो वो अलग मजा आता है मतलब। अब देखिए जब शेक पीने की बारी आ चुकी है, अब मैं पी के बताता हूँ मतलब कैसा होता है। देखिए आप मतलब मैं पी के बताऊंगा आपको कि कैसा स्वाद आ रहा है, तो आप घर पे ट्राई करना। आ चुका है मेरे पास गिलास, इस पे शेक ये देख सकते हैं आप, और मैं बताऊंगा टेस्ट करके कि कैसा हो रहा है। क्या मजा आ रहा है, वाह भाई कैसा लग रहा है, बढ़िया मजा आ गया। पी कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है, सबको बता दे कैसा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है। और लाइक सब्सक्राइब भी कर दो बोल चैनल को, अच्छे से बोल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो चैनल को वागाबॉन्ड यूके 05 को, वागाबॉन्ड यूके 05 बाय। सो गाइस शेक पीने में तो मेरे को बहुत मजा आ रहा है, बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है शेक पीने में। कमेंट करके बता दीजिए आपको कैसा लग रहा है करके। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए इतना काफ़ी है या और कुछ? तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब पक्का कर दीजिए, ऐसी वीडियो और डालूंगा आपके लिए। पक लो, बहुत है बढ़िया हो रहा है यार ये तो, मज़ा आएगा, बहुत है बढ़िया।